दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज बैक। CAA लागू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हमारे को इतनी खुशी है कि आप हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावक सा हो रहा है बताने में। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मजाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है। बंदे, बंदे। ये करते हैं काम को, पर कभी कभी थोड़ा प्लानिंग से करते हैं या थोड़ा लंबा करके करते हैं। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन करते जरूर है, अपनी बोली बात निभाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। नरेंद्र मोदी, मैं तो ये कहूँगा, हमारे लिए एक भगवान का रूप है। इस बिल में क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाइयों को भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। एक कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है। एब्सोल्युटली मैं आई एम सेइंग फ्रॉम हार्ट दैट मोदी है तो एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। ये सोचने वाली बात है कि वो लोग जो हैं वहां पे, चाहे वो कोई भी हो, नॉन मुस्लिम कोई भी नॉन मुस्लिम हो, उसकी जान खतरे में है। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जो किसी ने, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट कि हम भी पाकिस्तानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं और ये भारत से जो मुसलमान है उनको हम नेशनलिटी देंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज बैक, और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़, वो जो प्रोसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज़, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो पाकिस्तान, वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो के आ सकते हैं या मौजूद हैं भारत के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये जो ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा, और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी, NRC, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के अंदर रॉयट्स हुए, बहुत सारे लोग कत्ल हुए और मारे गए, और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ, एक डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं ना, क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि इसका जो ताल्लुक था, एक तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी, इंडिया उस तरह नहीं ले सका या अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सका, या जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा इस पर बात की, इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को तो जारी बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि, मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब वो माइनॉरिटीज़ जो इंडिया के, जो पाकिस्तान के अंदर थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। आई थिंक उन्होंने कोई टर्म बोली थी कि पता नहीं 14% या नॉट 14%, 14% जो टोटल माइनॉरिटीज़ थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन्होंने कोई 30-40% की कोई टर्म बोली थी। आई हैड टू चेक इट अगेन। CAA क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। CAA इसलिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, वो जो ईसाई हैं, वो जो बौद्ध हैं, वो जो पारसी हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है भारत के अलावा जाने के लिए। और CAA ने दिया क्या है उनको यार,
सीए दे क्या रहा है, सीए सिर्फ ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2014 के जो पहले लोग भारत में आ रखे हैं उन लोगों को नागरिकता प्रदान करी जाएगी, और जो नॉर्मल टाइम लगता है भारत की नागरिकता पाने के लिए जो कि 10 साल से ज्यादा है उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट्स इट उनको डिस्काउंट देने की बात है। अब डिस्काउंट देने में किसको मौत आ रही है यार, मैं तो सरकार से यह भी अपील करूंगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सर ये 2014 का मामला खत्म करिए, 2014 का मामला बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वहां का हिंदू कहां जाएगा, वहां का सिख, वहां का ईसाई, वहां का बौद्ध, वहां का जैन, वहां का पारसी कहां जाएगा? पारसी है वहां पे बाय द वे पाकिस्तान में, कराची में देयर आर फ्यू पारसीज लेफ्ट, वो लोग जाएंगे कहां पे? कोई ये तो समझाए कि साहब यहां पे जाएंगे ये लोग, दे हैव नोवेयर टू गो एंड एवरी डे देयर नंबर्स आर डिमिनिशिंग। अफगानिस्तान में खत्म कर दिए लोग, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, हिंदू कुछ नहीं है, और वहां पे हिंदुओं का और बौद्धों का राज चलता था, आज की तारीख में वहां पे ढूंढो तो हिंदू ना मिले, काट दिए सब, खत्म कर दिए, भगा दिए। और बताओ पाकिस्तान में वही हो रहा है, सारे के सारे हिंदू वहां से काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जिसकी लड़की किडनैप करी उसको कलमा पढ़ा दिया, उसको पता ही नहीं कलमा क्या होता है, उसको पढ़ा दिया, बच्चे को कलमा पढ़ा दिया, उसकी शादी कर गई, नाउ शी इज कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पॉपुलेशन डेसिमेट कर दी, आपने पॉपुलेशन खत्म कर दी। यही बांग्लादेश में हो रहा है, जमात अल इस्लामी सबके बीच में इतना जहर भर दिया, इतना जहर। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मार्च के फर्स्ट वीक में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लोकसभा के इलेक्शन से पहले CAA के लिए जो है जो नॉन मुस्लिम की जो रजिस्ट्रेशन है, जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, जिसमें हिंदूज है, सिख है, ईसाई है, उन सबको जो है इंडिया सिटीजन देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पाकिस्तान के जो हिंदू है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने सीए के तहत जो है पाकिस्तानी हिंदूज को अब सिटीजनशिप दी जा रही है, जो 2014 से पहले के जो है इंडिया में मौजूद है। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ है, और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि सीए कितना ज्यादा अहम है और मोदी सरकार इसको क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है लोकसभा के इलेक्शन से पहले। इंडिया जो है पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को नेशनैलिटी दे रहा है, अफगानिस्तान से जो सिख भागे हैं अपनी जान बचाकर, हिंदू भागे हैं या ईसाई भागे हैं, सर उनके लिए अब वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि वो बड़ी डेमोक्रेसी है तो वो पाकिस्तानियों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो अफगानिस्तान के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो बांग्लादेश के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करो और बांग्लादेश की बात करें तो ये इंडिया के ही दो हिस्से थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए हर चीज की दो साइड होती है, ठीक है। हम एक साइड देखते हैं, हम दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं ना सच कड़वा होता है, ये वही चीज है। तो जो भी है वहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं होनी चाहिए। देखें ये दो ऐसी कंट्रीज हैं कि हम बाहर जब जाते हैं एज से आउटसाइड, मुझे कभी कभार मिस्टेक किया जा रहा है इंडियन, फिर मैं उनको बताता हूँ कि नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, वी आर नेबर्स, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारे खाने लगभग सेम है, हम पहले दिखते भी एक जैसे हैं, देन व्हाई द डिफरेंस, ठीक है। बाहर आई वाज बॉर्न आउटसाइड, मैं इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, ग्रेड 9 तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, एंड आई हैव लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, और हमें कभी उस तरह के इख्तलाफात वगैरह इस तरह की कुछ नहीं आती है।